JDU MLA Gopal Mandal has said the common public does not know Congress President Mallikarjun Kharge, and it is Bihar CM Nitish Kumar who should become the prime ministerial candidate for the India bloc. He further targeted Congress and said that it is a party that cannot be trusted by the public. You know, Minister Nityanand Rai, though, now has taken a jibe at this whole incident. नहीं मानेगी, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं, जानबो नहीं करते तो कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, ताप बोले तो हम जान गए, तुमको कोई नहीं जानता है, बड़े मुख मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है, आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। नीतीश जी को अब वो मामला तो उनका है, लेकिन इतना जरूर है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस के द्वारा जो व्यवहार नीतीश जी के द्वारा हुआ है, नीतीश जी के साथ हुआ है, वह नीतीश जी को अब पता चल रहा। पहले से हम लोग कहते हैं ना कि जिस लोभ में गए हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने, वहाँ कभी पूरा होने वाला नहीं है। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए और शुरू से ही इनको समझ में आने लगा था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ बने हुए थे। अब परिणाम तो सामने आ गया है। ऑलराइट, सो क्लियरली ऑफ कोर्स आफ्टर द जेडीयू एमएलए स्टेटमेंट, Nityanand Rai there taking a jibe at Nitish Kumar and the India Alliance. Let me bring in Shakti for more details on this story. Shakti, it seems that there are cracks emerging within NDA. Within India, beg your pardon. देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से लगातार जो है चर्चा की, नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, नीतीश कुमार खासी से नाराज हैं क्योंकि इस तरह से ममता बनर्जी ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से रखा, उसके बाद से ही नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। और अब जो है जेडीयू के बड़े नेता है केसी त्यागी हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उन्होंने कहा है कि जब तय हुआ था बैठक में जो है कि जो बैठक चुनाव के बाद जो है पीएम पद का उम्मीदवार होगा, ऐसे में नामों की को लेकर जो चर्चा हुई है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है नाराजगी चल रही है। और अब जो है आपको बताएं कि इसको लेकर जेडीयू की तरफ से कई जो सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर ही बड़ा विवादित बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि खड़गे को लेकर जो है खड़गे कौन है ये हम नहीं जानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो बहुत अच्छी है, वो प्रशासनिक अच्छे हैं और पीएम मटेरियल हैं, और उनके नाम को आगे जो है खड़गे का नाम काफी छोटा है। ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से भी जो है इन चीजों को लेकर जो है सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 29 दिसंबर को जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल के आता है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक के बाद जो है नीतीश कुमार को जो है आगे के फैसला लेने के लिए पार्टी अधिकृत कर सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर जो है ऑल इज वेल की स्थिति फिलहाल नहीं है जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.